ओहो, वाइफ की रील देखी जा रही है। ये आप लोगों को नंबर देती हूँ, फोन नहीं पकड़ा जा रहा सीटू से खाने के चक्कर में। तो गाइस आ चुके हैं घर और ये देखो मम्मी ने दूध जूस और कोल्ड ड्रिंक ये सब रखा था, इसमें दही, मना करते करते मिठाई भी रख दी थी कि रास्ते में खा लेना, लेकिन हमने खाई ही नहीं कुछ भी। और अभी तो और भी सामान है जैसे कि चीनी चावल वगैरह, वो बैग में भी निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं दूध गर्म कर लेती हूँ। मम्मी कह रही पूरा क्यों नहीं लेके गई थी, मैंने कहा इतने सारे का क्या करती, तो मैं गर्म कर लेती हूँ कभी ख़राब ना हो जाए। ये सुबह का है ना, एकदम मतलब गर्म नहीं हुआ, ऐसे कच्चा दूध है। ये बड़े फ्रिज में नहीं रखते बेटू, चलो ठीक है कुरकुरे भी कोई ठंडे करते होंगे। आप पहले ये बताओ, इधर देखो शना आपका मन लग रहा है यहाँ है, तो कैसे ऐसी कह गई टीवी चला लिया है इसने, फ्रिज में रख दो ये ठंडी हो जाएगी। ठीक है ये खा लो आप, इसको मीठा ही पसंद नहीं है, ये रख दो फ्रिज में फिर ठंडा हो जाएगा फिर पी लेना। ठीक है ये भी रख दो। ओके बेटा पी लेता हूँ, ये तो गर्म हो रही है बेटा, बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। नहीं बेटा अभी मैं चाय बनाऊंगी ना, चाय पियेंगे पहले दूध देख लेते हैं सही है कि नहीं। वैसे तो सही होगा क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है मौसम, सुबह बारिश आई थी अब तो ठीक हो रहा है। कौ तो गाइस अभी स्वीटू लेके आए हैं, ये जामुन बोलते हैं बेटा इनको, कुछ करी क्या है मम्मा, ग्रेप्स हैं ब्लैक वाले, नमक है कि इसमें मसाला है, मैंने कहा पेड़ से तोड़ के लेके आए हो, कह रहे हाँ जी बिल्कुल, कह रहे पेड़ से तोड़ के कहाँ से लेके आऊँगा, मेरे को बहुत पसंद है ये, बहुत का मतलब ऐसे तो नहीं है कि फेवरेट है, आप कहोगे हर कोई चीज़ इसकी फेवरेट ही होती है, हो सकती है। और ना कुकू को ना फीवर सा हो रहा है पता नहीं कैसे, ना मेडिसिन दिला के लेके आएंगे। हाँ और फिर ना जैसे होता है ना नानी वानी की याद वाद तो थोड़ा सा हो जाता है इसको हर बार, कोई नहीं ठीक है खा के देखना है कैसा लगता है। पापा तो लैपटॉप भी लेके आए थे आपके लिए, कैसा खट्टा लग गया ऐसे होते बेटा ये आप गिरोगे तो नहीं। गाइस ये वहाँ पे बहुत ना स्कूटी बाइक पे बैठ जाती थी अपने आप, अब देखो कितने मजे आ रहे हैं इसको, अपने आप को चाबी लगा के और हॉर्न बजाइए, बस 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 ज्यादा नहीं, ऐसे डर भी नहीं लगता, पहले तो डरती थी बैठने में, अब नहीं लगता बिल्कुल भी डर, क्योंकि वहां नानू के यहाँ ऐसे स्कूटी बाइक पे बैठ जाती थी ना। अब उतर जाओ चाबी हटा दो, लगे रहने दो। तो गाइस अब बन रही है चाय और अदरक तो मैंने डाल दी, इलायची भी डाल दूँ, छोटे बोल रहे हैं पीछे से क्या तो चाय बन रही है, और इतने बड़े बर्तन में इसलिए बन रही है क्योंकि घर से जो दूध आया था वो बच गया था ना इसमें, तो उसी की है, दूध ना बहुत ज़्यादा थिक था। और यार जब से हम घर से आए तब से यार बारिश ही नहीं होश लेने दे रही, देखना बारिश 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 यार। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी है टेंपल कुलदीप भवन के नाम से, जैसे कि आप लोगों को पता ही है तो उसको भी फॉलो कर लो और यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो ठीक है। और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा ये ब्लॉग है घर से आने के बाद का, दो तीन दिन हो गए हमको आए हुए, रेस्ट मारा है, खूब आराम कर, बहुत रेस्ट किया है, इसलिए किया है क्योंकि बारिश ही नहीं रुक रही थी यार, तीन दिन से बारिश ही नहीं रुक रही थी, और एक दो कमेंट भी आए हैं ज़्यादा तो नहीं आए कि ब्लॉग डालो ब्लॉग डालो, दो तीन हैं मतलब, तो फाइनली ब्लॉग मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बना रही हूँ, मेरा फेस देख सकते हो कैसे, घर से आने के बाद थोड़ा थोड़ा काला काला सा भी हो गया है, वहाँ भी आपको काला ही दिख रहा होगा, वहाँ भी आपको काला ही दिख रहा होगा, क्यों कोई नहीं थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। और मैंने कुछ इसलिए भी ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरे ब्लॉग जो है घर वाले देखते ही हैं, और हर ब्लॉग जब भी मैं हर बार आती हूँ तो ये बोलते हैं अब जाके देखना रोएगी अब जाके देखना रोएगी, चाहे खुद को भी रोना आए लेकिन वो ब्लॉग तो बनाते नहीं है, इमोशनल हो ही जाते हैं जब घर से आते हैं, तो फिर सब लोग कहते हैं, आयुष भी कहता है मम्मी भी कहते हैं सब लोग टोकते हैं देखना अगले ब्लॉग में ना देखना रोएगी नहीं बनाया, मैंने कहा चाहे कुछ भी हो मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी ही नहीं कुछ भी, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था और ब्लॉग नहीं बनाया। और कुकू को थोड़ा सा फीवर हो गया था, अभी तो कुकू सो रही है, देखो कैसे सो रही है,
करती करती यही पैरों की आवाज़ ना इसकी आ रही है देखो। और अब तो जैसे उठ के आती है ना बाहर तो पता चला था कुकू आई, पहले तो एकदम धीरे धीरे आ जाती है, अब तो छन छन करती हुई आती है तो पता चल जाता है। और पता नहीं इसको ना फीवर हो गया है, वहाँ से आई है ना तब से हो जाता है उतर जाता है, हो जाता है उतर जाता है। दवाई भी दी है, अब क्या पता हो इसको याद आ रही होगी, बच्चा ही तो है अब पता है नहीं बोलता है नहीं। तो जैसे मैं कहती हूँ ना मैंने आपको नानी से बात करनी है, नहीं मेरे को नहीं करनी बात, तो बात नहीं करती है फोन पर। और स्वीटू तो बहुत खुश है जब से मैं आई हूँ, क्योंकि मैं ही खाना बना रही हूँ, मैं ही कपड़े धो रही हूँ। यार ऐसा कोई होता है क्या? ठीक है मैं ही, मतलब मेरा काम है करना नहीं, तो ठीक है मैं खुश तो इसलिए हूँ ना मेरे पास मेरे बच्चे आ गए यार। आप तो ऐसे चलो वो तो आप हो, लेकिन और एक्स्ट्रा खुशी भी यही है कि भाई देखो मैं पहले मुझे काम करना पड़ा था, अब मुझे काम नहीं करना है ना। सच सच बताओ यार, नहीं जाता काम करने ना करने से क्या हो गया, क्या काम कर रहा था मैं पहले? काम यार घर का इतना ज्यादा, तो मैं किसका मतलब काम नहीं कर रहे थे घर पे, काम कर रहे थे ना कुछ तो कर रहे होंगे घर पे। अच्छा जब तो कहते रहते थे फोन पे, अब मैं झाड़ू लगाई है, मैं अपने लिए चाय बनाई है, अपने लिए खाना बना रहा हूँ, फिर मुझे जाना भी है, हैं तुम काम नहीं करते थे जब से आये यार बारिश हो रही है ना, तो ढंग से ना पता है मैंने ढंग से मतलब सेट भी नहीं किया है कपड़े वगैरह कुछ भी, थोड़ा बहुत सेट किया, धूप देखने को नहीं मिल रही। आज भी थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है, मतलब अच्छा तो इतना अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। कपड़े इतने सारे हो गए थे ढेरों, बताओ तो, नहीं सही कह रही है, अभी थोड़ी बहुत आज मौसम खुला है, वरना रोज धक्के आना पड़ता है डेली। और बताओ कैसा लग रहा है, बालों को ठीक करो ना ऊपर का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सीटू आई ना, सीटू ने बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बनाया ना, तो थोड़े नर्वस लग रहे हैं। नर्वस नहीं लग रहा मैं, मुझे भूख लग रही है यार, भूख लग रही है, चाय बनाओ। गाइस अभी तो इनको बहुत भूख लगती है, जब मैं फोन पे पूछती थी ना कि मतलब आपने क्या खाया, नहीं मैंने तो दूध पी लिया, मेरे को भूख ही नहीं लग रही। हाँ तो गाइस ऐसे ही कहते थे हमेशा, तो वही अब जब आप मेरे पास आए तो मुझे खुशी के मारे भूख लग रही है। इतनी भूख सुबह से खाया नहीं है क्या? खा लिया। तो अभी बनाऊंगी चाय, है ना, चाय पियोगे खाना खाओगे? दाल चावल गाइज कोई फायदा नहीं है कुछ भी पूछने का, क्योंकि फिर पता है मैं गुस्सा करती हूँ इसी चीज़ के लिए। नमकीन यार वो छोटी बच्चे वो नमकीन मांगती है ना, खुद भी नमकीन मांगते हैं, एक तो है ही बहुत बॉडी इनकी स्टील बॉडी हो रखी है, खाने के लिए तो होती है, मांगने क्या है इसमें? तो खा लो ना फिर, मुझसे क्यों बोल रहे हो, खा लो फिर। गाइज देखा कोई, नहीं अभी, कोई अभी इनसे तो नहीं, कोई कुछ खाना बनाना हो तो फिर बात भी है, जब खाना ही नहीं बनाना तो यार फिर हेल्दी चीजें खाया करो तुम भी। खाना तो बनाओ, पता कमेंट्स भी आते हैं कुकू के लिए भी, खिचड़ी है है क्यों नहीं है, बोला नहीं है दाल चावल है, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं, मैं तो नमकीन खाऊंगा। कोई फायदा थोड़ी है फिर मेरे से क्यों बोल रहे हो, फिर ले लो वो तो ले सकते हो अपने आप, जाओ ले आओ मैंने नमकीन ले आओ चाय ले आओ खुद ले आओ मैं भी तुम्हारा खुद ले आओ खुद। अच्छा तीन दिन से मेरे हाथ से निकाल दे गाइस, पता है यार मैं ना अपने घर में इतना काम भी नहीं किया ना, आके कर लिया तुरंत ही, तीन दिन में सारा वो निकल गया। हाँ क्या यार सही तो कहती हूँ, काम ही क्या है, ऐसे सब लोग कहते हैं, तुम भी उनमें से हो गए, पहले तो कहते थे बहुत सारा काम काम वाले भाई, तुम बन रहे हो काम ही क्या है, काम ही क्या है, जो काम है 50% काम तो मैं करवा देता हूँ 50%। कितना झूठ बोल रहे यार झूठू, तुम तो यार कितना बदल गए यार, यार तुम तो बहुत बदल गए, सच्चाई थी सामने आ गई, सच्चाई थी 50% कराते थे पहले, अब नहीं कराते, सच में यार बहुत काम कराते थे पहले, अब भी कराते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन 50% से तो बहुत ज्यादा होता है गाइस, 10% हां 10-20 भी कह सकते हो। कुकू बेटा कुकू तो जगी पड़ी है, उठो देखो आपकी पजामे निकल रही है, बेटा इसे सही करना, कुकू बेटा उठो चाय बनाइए मम्मा, उठो या दूध पी लो बॉर्नविटा का, उठो जल्दी उठो जल्दी, और इसके स्कूल भी ओपन हो गए हैं, अब कुकू स्कूल भी जाया करेगी। और कुछ नहीं गाइस, वो सब मजाक की बातें हैं, इसी ने बहुत सारा काम करा के यार, सच में डेली यार इतना काम बढ़ जाता है, क्योंकि बारिश की वजह से और काम बढ़ जाता है। ऐसी बात नहीं है, सीटू ने घर साफ रखा था, लेकिन वो ही है ना फिर ने मेरे को पसंद नहीं आता, मैं 10 दिन में एक बार पोछा लगा दिया, इतना साफ रखा था मैंने बस, और हाँ एक और चीज़ और है, एक और चीज़ बताना, जब मैं इनसे फोन पे पूछती थी ना
मैंने कहा यार ठीक है यार जल्दी से, फिर तुमको ना सुबह जाना भी है जल्दी, है ना ऑफिस में, और ना ऐसा है ना जल्दी से सो जाओ। अरे यार लेट आऊँ, नींद नहीं आ रही। और अब है ना, अब यार मैं सच बताऊँ, सीटू हंसने की बात नहीं यार, सच में यार मेरे को गुस्सा भी आता है कभी कभी, पता है अब तो कुकू भी कुछ भी मांग रही होती है ना, या फिर मैं भी कुछ कह रही होती हूँ, सो जाते हैं, इनको पता भी नहीं रहता। बताओ क्या भाई, मैं कहाँ सो रहा था मैं कहाँ? तुम सोचो दोपहर को भी सो जाते हो, दिन में भी सो जाते हो, रात में भी, जब तुम्हें मौका मिलता है तभी सो जाते हो। तो पड़ जाता तो नींद आ जाती है, पड़ जाते हैं। और गाइस पता है कुकू भी मांगती रहेगी ना कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चीज, तो ना ये बिल्कुल हिल भी नहीं सकते, ऐसे सो जाएंगे चैन के लिए। जब भाई घर पे अकेले होते तो मन लगता है, इसको नहीं लगता ना किसी का, तो यार छोटू अब ऐसे हमारा नहीं लगता, जब तुम सो जाते हो रात को तो ठीक है सब सोते हैं, लेकिन तुम्हें जब भी मौका मिलता है तभी खर्राटे लेने लग जाते हैं, ये कोई बात है? अरे यार नहीं सोऊंगा गाइस, गाइस से क्या बोल रहे हो, मतलब मैं बता दूंगी अगर सोओगे तो, जब भी सोते हो पता नहीं यार आपको इतनी नींद क्यों आती है। चलो कोई बात नहीं, हम नहीं आएंगे। क्या हुआ? तुम मेरे लेके आ रहे हो कुछ? लेके आ रही, ओहो ओहो ओहो, वाइफ की रील देखी जा रही है, चलो। क्या है तो यार छुट्टी ऐसे की बता रहे हो, मुझे ना देख ही तो रहा हूं ये लोग, कैसे मेरी रील देखते हैं जब भी देखो, बस बस कॉपीराइट आ जाएगा। तो मैं और कुछ रील देखूंगा, मैं तो अपनी वाइफ की रील देखता हूं। चलो खा लो नमकीन, देख लो मैंने इसलिए पूरा पैकेट ले आया क्योंकि आपको कटोरी वटोरी में तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर आप नमकीन खाते हैं। और गाइस ये पता है ख़त्म हो गए थे, पता नहीं बैग में इतने सारे बिस्किट मिल गए मुझे, और भाई लेके आया था जो घर पे, वहाँ नहीं अच्छे लगे मेरे को, यहाँ अच्छे लग रहे हैं जब है नहीं। कोई नमकीन खाएगा तो आ जाओ, कोई नमकीन खाना चाहता है तो उठ जाओ जल्दी, उठी उठी कर लो जल्दी भाई, खा लो। कुकीज़ खा लो मैं? खा लो, कुकीज़ नहीं है बिस्किट, खा लो है गाइस, हम कुकू को भी कुकी बोलते हैं गाइस, ये बिस्किट खा लो गाइस, क्या मना कर देंगे, तो खाओगे आप? पता जब सिटू जैसे मैंने वहाँ पे मतलब प्रॉपर ब्लॉग नहीं बनाया ना, पता नहीं कि ना बहुत ज़्यादा ब्लॉग में बक 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 करने का मन कर रहा है। जैसे प्रॉपर ब्लॉग नहीं बनाया ना, कोई मेरी वीडियो बनाता नहीं था, जैसे कि आज मैं आपको बता देती हूँ, मम्मी बना देती थी, हाँ तो मैं ज्यादा ना बोल नहीं पाती थी, तो मेरे को आदत है ऐसे जब ब्लॉग स्टार्ट हो तो बोलने की, बगा बगा जो कि मैं कर नहीं पाती थी, अब फिर तुम भी बक बक करने लग गए थे, नमकीन खा लो तो ठीक है, जो कि मैं कर नहीं पाती थी ऐसा, बस मैं जब कोई चीज ऐसी होती थी ना शूट करने की, गाइस देखो ये हो रहा है, गाइस देखो ये हो रहा है, मैं खुद ऐसे शूट करती थी, कभी मौका मिलता था तो मम्मी कर देती थी, और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मिन्नत करने के बाद आयुष करता था, तो इसलिए ऐसा हो रहा है कि अब एक तो 3 दिन से मेरा दिमाग खराब हो रहा था, मैंने कहा नहीं ब्लॉग तो बनाना है, आयुष ठीक है आज ये वाला ब्लॉग देखेगा तो बोलेगा। और गाइस एक और बात है, हाँ एक और ये बात है मेरे भाई की छोटे वाले की, आयुष ब्लॉग तो बिल्कुल नहीं मतलब फ़ोन तो पकड़ेगा नहीं बिल्कुल भी, इतनी मिन्नत कराएगा शॉर्ट वीडियो बनाने में भी, कैसे भी एक मिनट के लिए भी सेकंड के लिए भी, और जैसे ही ब्लॉग अपलोड होगा मुझे नहीं लगता और कोई देखता होगा ब्लॉग पहले, सबसे पहले सबसे पहले ना हमारे घर में ब्लॉग वो ही देखता है सबसे पहले, और इतना इंटरेस्ट आता है उन लोगों को, मम्मी भी देखती है, आयुष भी देखता है, ये वाला ब्लॉग जब वो देख रहा होगा तो पापा नहीं देखते, पापा कभी कभी देखते होंगे पता नहीं मुझे, तो पता है क्या खाना खाएगा तो फिर ब्लॉग चलता रहेगा, ऐसे आंखें फटी रहेंगी ऐसे ऐसे गाइस देखो, और इसे ब्लॉग इतने अच्छे लगते हैं, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कैसे ब्लॉग ना हंसता भी रहेगा और ब्लॉग बना नहीं सकता, वो सब देखता रहता कि अब क्या कर रहे हैं ना, मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, फोन आ गया, तो गाइस अभी फोन आ गया था मेरा ही गाइस का फोन आ गया, मैं हमेशा बोलते मेरा फोन आता है ना, फिर से एक और फोन घर से आ रहा है, अब तो मैं उठाऊंगी पहले ब्लॉग का एंड करूंगी वरना बहुत देर हो जाएगी, आयुष का ही आ रहा है फोन, मम्मी होंगी तो गाइस। हाँ एक और बात यार, जो लोग व्लॉग देख रहे हैं, जैसे मैं पेमेंट के लिए आप लोगों को नंबर देती हूँ, फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा सीटों से खाने के चक्कर में, जैसे मैं पेमेंट के लिए आप लोगों को नंबर देती हूँ, पहली बात तो मैं अपना नंबर किसी को देती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड का नंबर सभी के पास जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप कॉल कर दो,
मैसेज कर सकते हो इंस्टा पर, जो कि मैं ही संभालती हूँ। और ये मत सोचा करो कि मतलब कि आप फ़ोन करके उनसे बात करके ये सोचते हो कि मुझे नहीं पता चलेगा। तो अब पेमेंट कम का ज़्यादा का जो भी रहता है, वीडियो का कुछ भी, मैं ही देखती हूँ। बात वो नहीं है, अगर आपको कुछ भी काम है तो आप मैसेज ही करो, नंबर आपको मिला है केवल पेमेंट के लिए। और बाकी मैं अगर कॉल रिसीव करती भी हूँ तो वो भी इंस्टा पर ही करती हूँ, ठीक है, चाहे ये हूँ चाहे मैं हूँ, इंस्टा पर ही करती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ना इस बात का ध्यान रखो। तो किसी का पर्सनल नंबर अगर आपको मिल रहा है पेमेंट के रिगार्डिंग, तो उसका पेमेंट का ही यूज करें, और फोन करने की कृपया ना करें, किसी और को शेयर भी ना करें, ठीक है। तो क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि फोन दूसरे लोग भी कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसा फोन नहीं करना चाहिए, मैं कहना चाहूंगी। बाकी प्रमोशन का ऐसा कुछ नहीं, आप लोग कराओ, और एक बार पेमेंट कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रस्ट भी रखा करो। और आप लोगों ने करवाया भी होगा, जो लोग करवाना चाह रहे हैं तो वो भी करवा लेना, कोई दिक्कत। और गाइज अब तो हम दोनों साथ में ही मिलेंगे हर किसी ब्लॉग में, तो ये ब्लॉग ज़्यादा ही हो गया बोलते बोलते ही, तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पर, वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी। बताना कैसी लगी, मतलब कैसे लग रहे हैं हम दोनों साथ में ब्लॉग बनाते हुए, नमकीन खाते हुए। देखो अपनी वाइफ को थोड़ी सी दिया, बस वाइफ क्योंकि ब्लॉग बनाने लगी ना गाइज, ऐसी लड़ाई हुआ करेगी हमारी। और आप लोगों ने देख ली होगी इससे पहले जब घर पर आए थे तब लड़ाई हो गई थी हमारी। तो यार सुनो, आप बात ही कभी ऐसे कर देते हो यार। मैंने कोई बात नहीं की थी सुनो, वो बात आपने की थी। चलो यार कोई नहीं गाइस, चलो इसमें युद्ध ना बज जाए, हम तो लड़ते रहेंगे युद्ध बजने से पहले, मिलेंगे आपसे बाद में, वीडियो एंड कर देते हैं। और मैं देख, एक दो दिन में मौसम साफ हो जाएगा ना, फिर देखते हैं अच्छे अच्छे ब्लॉग लाएंगे, ठीक है, और दोनों साथ में मिलकर। तो गाइस इसी के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक और गाइस शॉर्ट वीडियो पे भी थोड़ा सा प्यार दो यार, इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो रहा है। और खाते रहिए नमकीन, मिलते रहिए हमसे, ठीक है। तो और सब्सक्राइब करके जाना यार प्लीज, लाइक कर देना वीडियो अगर पसंद आया हो तो, शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।